बेटे की ऐसी हालत, ये मैंने क्या कर दिया? गोपी माँ, मैं ठीक हूँ। इधर आए माँ, माँ रुक जाइए, माँ रुक जाइए, मत बैठ। सोना, जल्दी से डॉक्टर को बुलाना होगा। सोना रुक। माँ जी, मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए, मुझे माँ के पास ले चलिए प्लीज। प्लीज मुझे माँ के पास। कितना खून बह रहा है, तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना ही होगा, वरना तुम्हें कुछ हो। नहीं अच्छी, मुझे कुछ नहीं होगा। देखा ना, माँ ने जो कुछ भी किया उसकी वजह से वो बहुत शर्मिंदा है। मुझे डर है कि कहीं वो अपने आप को कुछ ना बैठे। प्लीज माँ, मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनने वाली हूँ। जिद मत करो। तुम्हें 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 अस्पताल लेकर ही जाना होगा। सोना चलो पकड़ो इसे, हम इसे अस्पताल लेकर। माँ जी प्लीज प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मेरे माँ के पास जाना बहुत जरूरी है। भगवान कोई हमारी सहायता कीजिए, मेरी गोपी वो। माँ, माँ देख प्लीज प्लीज माँ के पास ले चलिए मुझे। यहाँ कोई अस्पताल है, डॉक्टर मिल जाएगा, सहायता कीजिए। अस्पताल हो तो हमें बताइए। हे भोलेनाथ, हे ओंकारेश्वर, शिव शंकर, गोपी वो ये क्या कर रही हो? गोपी वो संभालो, देखो तो आप क्या हाल। प्लीज माँ के पास मुझे ले चलिए। अपने माँ के बारे में फिलहाल मत सोचो गोपी। कैसे नहीं सोचो माँ जी, जिस औरत ने मुझे जन्म दिया है उनके बारे में कैसे नहीं सोचो। बस होगी बात तो माँ से मिली, मैं माँ को खोना नहीं चाहती। माँ जी अगर आप मुझे खुश देखना चाहती हैं, मुझे मेरी माँ के पास ले चली। एक तरफ से तुम पकड़ो, एक तरफ से मैं इसे पकड़ती हूँ। इसे उठाकर आप इसे अपनी माँ के पास लेकर चल। अनर्थ हो गया मुझसे, मैंने अपनी दिक्री को नहीं। मधुबेन ये कहाँ चली गई? गोपी वो संभालो अपने आप को। माँ मैं अब भी कह रही हूँ कि हमें अस्पताल जाना चाहिए। माँ मधुबेन मधुबेन, मधुबेन कहाँ है आप? गोपी बहू की हालत तो देखिए, वापस आ जाइए। माँ रुक जाइए। मधुबेन, मधुबेन देखिए गोपी बहू की हालत। ना, तुम गोपी बहू के पास रुको, मैं मधुबेन को लेकर आती हूँ। नहीं माँ जी, माँ आपकी बात नहीं सुने, आप लोग मुझे उनके पास ले जाए। गोपी बहू की बात बहुत सिद्धि हो, चलो। माँ रुक जाए, माँ रुक जाइए, माँ रुक जाओ। मधुबेन रुक जाइए, गोपी बहू की हालत तो देखिए। मैंने कहा ना मैं नहीं रुकूंगी, पर ऐसे डॉक्टर के पास लेके जाओ। नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊँ, आपको लिए बगैर मैं कहीं नहीं जाऊँ। हमारे लिए ना सही, कम से कम गोपी बहू के लिए तो रुक जाइए। माँ, गोपी बहू, गोपी तुम क्यों आई बीच में? अरे बच्चे तो माँ बाप के लिए भगवान का आशीर्वाद होते हैं, लेकिन आज मैंने क्या किया? मैंने उसी आशीर्वाद को नुकसान पहुंचा दिया। वो भी किसके लिए? इस औरत के लिए जिसने मुझसे मेरी बच्ची छीन ली। तुझे तेरी बहन की हत्या करने को मजबूर कर दिया, और आज मुझे मेरे हाथों इतना बड़ा काम करा दिया इस औरत ने। नहीं माँ, आप गलत समझ रही है। आप जिस औरत की बात कर रही है वो मेरी माँ जी। माँ जब नहीं थी मेरे पास, तो यही जिन्होंने मुझे संभाला, माँ का प्यार दिया, मेरी रक्षा की है माँ। मेरी जैसी किस्मत सबकी नहीं होती, इसके पास एक ही जन्म में दो माए। झूठ गोपी, झूठ। तेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही माँ है, और वो है ये औरत, तेरी माँ जी। अरे मैं तो तेरे लिए हमेशा से पराई थी, पराई। गोपी वाह, मधुबेन, गोपी बहू की हालत तो देखिए। हमारे लिए ना सही, कम से कम गोपी बहू के लिए वापस आइए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अरे हाथ तो मैं जोड़ती हूँ आपके। इसे अस्पताल लेके जाओ। मेरी एक बेटी की जान तो तुम ले चुकी हो, दूसरी की भी लोगी क्या? यदि मेरे वश में होता तो मैं कब की मेरी गोपी बहू को अस्पताल लेकर गई होती। उसे इस हालत में नहीं छोड़ती आपकी तरह। आप माँ है, अपनी बेटी को इस हालत में देखकर भी आपका हृदय पसीज नहीं रहा है। मधुबेन, जाने अनजाने में मुझसे गलती हुई हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। देखिए जो हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन नई शुरुआत तो कर सकते। मैं आपसे हाथ जोड़कर फिर से क्षमा याचना करती हूँ। मेरी गोपी हो मेरी प्राणों से भी अधिक प्यारी है। पूरे परिवार की जान बसती है मेरी गोपी बहू। मेरी गोपी बहू के बगैर हमारे परिवार की माला टूट जाएगी। आपको लगता है मैंने गलती किया, मुझे इसी क्षण मार दीजिए। मैं उठ तक नहीं करूं, किसी को नहीं बताएंगे कि आपने मेरे साथ ऐसा किया। अरे चुप, अब पछतावा करने से क्या होगा? ये गलती का एहसास पहले हुआ होता तो आज मेरी राधा जिंदा होती। गोपी तुझसे ज्यादा मुझसे प्यार करती, तेरी वजह से हम तीनों माँ बेटी अलग हो गई। नहीं माँ, नहीं नहीं, मैं अब नहीं। माँ सुनो ना, माँ संभालिए, माँ रुक जा। माँ माँ पीछे बहुत गहरी खाई है माँ। मधुबेन आप गिर जाएंगी, संभालिए। माँ सुनो, नहीं गोपी बहू, शायद राधा यही चाहती थी कि मेरी और उसकी मृत्यु भूमि एक ही हो। माँ, माँ रुकिए। इसीलिए आज हम यहाँ पे है ना, यही चाहती थी राधा। माधो बहन गोपी सदा सुखी रहना है ना। रुकिए माधो बहन, तू खुश रहना। माधो बहन मधुबन मेरा हाथ पकड़िए। गोपी गोपी छोड़ दे, मेरा हाथ दिख रहा है। मधुबन ये बहस का समय नहीं, हाथ दीजिए। गोपी गोपी छोड़ दे बेटा, अब हमारा जुदा होने का समय आ गया है। नहीं माँ, नहीं मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। नहीं गोपी, सारे गीले शिकवे भूल जाइए माँ। माँ मैं आपके बगैर नहीं जी पाऊंगी माँ। जी पाएगी गोपी, बहुत आसानी से जी पाएगी, क्योंकि तेरे पास तेरी माँ से बढ़कर भी माँ जी है, जो साय की तरह तेरे साथ रहती है। वैसे भी अगर मैं जिंदा रही ना तो तेरी माँ जी को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा मत कहिए मामा, इसलिए अच्छा है मैं ही चली जाऊँ। मधुबेन दूसरा हाथ दीजिए। तुझे क्या लगता है तेरी माँ जी बेकसूर है? विक्रम मेरी आंखों से देख तो पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत। ऊपर आ जाइए। छोड़ दे गोपी, हाथ पीछे मत छोड़। माँ माँ प्लीज। मुझे किसी का हाथ नहीं पकड़ना। कि आपने क्या कर दिया मधुबेन? बदले की भावना ने आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया मधुबेन। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।